संकट के समय बिहार सरकार के विकास की कलई खुलती जा रही है। बिहार का विकास बाढ़ में बह रहा है, जिसके कारण सरकार की फजीहत हो रही है। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज सीएम नीतीश कुमार 509 करोड़ की लागत से बने गोपालगंज के जिस बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका ब्रोच पत्र टूट गया है। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। महासेतु का ब्रोच पत्र करीब 50 मीटर तक ध्वस्त हो गया है। इसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। बिहार राज्य पुल निर्माण के कई अधिकारी सैकड़ों मजदूरों को लगाकर इसकी मरम्मती और अपनी नाकामी को छुपाने में जुट गए हैं। सैकड़ों मजदूरों के साथ साथ दो जेसीबी को भी लगाया गया है। जो अप्रोच पट आज टूटा है, वह 12 दिन पहले भी टूट गया था। इसको दोबारा ठीक किया गया था, लेकिन सीएम के उद्घाटन के दिन ही यह फिर से टूट गया। बार बार फजीहत के बाद भी इंजीनियर दावा करते हैं कि घटिया काम नहीं हुआ है, सभी काम मानक के अनुसार हुआ है। अब सवाल उस मानक पर उठ रहा है जो सरकार की फजीहत करा रहा है। यह पहली बार गोपालगंज में नहीं हुआ है। 2 माह के अंदर यह तीसरी बार हुआ है कि गोपालगंज में अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार ने वर्षों से 509 करोड़ की लागत से बन रहे बंगरा घाट पुल का अभी आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया, लेकिन पुल की अप्रोच पथ टूटी हुई है। टूटे हुए पुलों, पथों और बांधों के उद्घाटन की इन्हें इतनी जल्दी क्यों है? उद्घाटन से पहले ही पथ टूटना इनके काले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। तेजस्वी ने एक और ट्वीट में लिखा, वीडियो में देखिए पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत के जिस पुल का भी नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर रहे हैं, उसका पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धस रहा है। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत क्या होगा? कोई पुल उद्घाटन के दिन, कोई उद्घाटन के पहले और कोई उद्घाटन के 29 दिन बाद टूट जाता है। आपको बता दें कि 509 करोड़ से बनकर तैयार हुआ महासेतु गोपालगंज की सीमा को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से जोड़ने वाला जिले में गंडक पर बना चौथा महासेतु है। बैकुंठपुर में बना बंगरा घाट महासेतु स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सारण को चंपारण और तिरुहत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा यह महासेतु बनकर तैयार है। इस पुल के निर्माण पर 509 करोड़ की राशि खर्च हुई है। 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल को बनाने में 6 साल 4 महीने लगे हैं। पुल के चालू होने से 6 जिलों की करीब 8 लाख की आबादी के आवागमन में सहूलियत होगी। 55 दिन पहले यानी 16 जून को इसी प्रखंड में 4 किलोमीटर की दूरी पर बना 70 घाट पुल को सीएम ने जनता को समर्पित किया था। 1440 मीटर लंबे 70 घाट पुल के निर्माण पर 263 करोड़ का खर्च हुआ था। इस महासेतु के चालू होने के बाद गोपालगंज, सीवान और सारण से मुजफ्फरपुर की दूरी 55 किलोमीटर की, दरभंगा की दूरी 65 किलोमीटर, जनकपुर की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। पुल के चालू हो जाने से सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे जिले का SH-90 और पूर्वी चंपारण का SH-27 आपस में जुड़ रहे हैं। डीआरए का विकास, नेपाल से बढ़ेगा व्यापार, अयोध्या व जनकपुर तीर्थ 4 लेन से जुड़ेंगे। सारनाथ से भगवान महावीर का जन्मस्थल वैशाली सीधा जुड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का साबित होगा पुल, बाढ़ का खतरा होगा कम। बंगरा घाट पुल एक नजर में, लंबाई 1506 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, अप्रोच रोड 19 किलोमीटर, लागत खर्च 509 करोड़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।